आरोग्य जागृति। दोस्तों, आरोग्य जागृति में आज जानेंगे विश्व नशा मुक्ति दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 26 जून को विश्व में विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल औरंगाबाद और ऑल इंडिया पयाम इंसानियत की ओर से एक कदम नशे से आजादी की तरफ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान एक ड्रामा स्किट के जरिए बताया गया कि दारू या कोई भी नशा ये आदत नहीं है बल्कि एक दिमागी बीमारी है। इसका इलाज कोई भोंदू बाबाओं के पास नहीं नशा मुक्ति केंद्रों में होता है। इसके बारे में इस ड्रामा के कलाकारों ने बखूबी समझाया है। दोस्तों, नशा कोई भी हो इसका परिणाम बुरा ही है। इस विषय में जानकारों ने बड़े सहजता से इसके उपाय और इससे आज़ादी कैसे पाए इसके बारे में बताया, जिसमें डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी जो के मनोविकार तज्ञ हैं, डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी जो के शहर का जाना माना नाम है मनोविकार तज्ञ हैं, डॉक्टर सना खादरी खिलजी वो भी मनोविकार तज्ञ हैं, मौलाना मोइस फारूकी काशिफ उल उलूम, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ठगे डायरेक्टर MGM इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम औरंगाबाद और मिस्टर नीलेश राजहंस माइंड थेरेपिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर माननीय श्री चिरंजीव प्रसाद जी ने भी शिरकत की। उसको लेगा सबका एक कॉमन फैक्टर था उसमें कि कोई ना कोई टेंशन। अभी टेंशन क्या होगा? टेंशन कौन से चीज का टेंशन? किसी को नौकरी का टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन, किसी को घर में झगड़ों का टेंशन, किसी को बारिश नहीं होने का टेंशन। तो मैंने एक किसान से पूछा, बारिश नहीं होती तो मुझे टेंशन आता, हमारी फसल कैसे होगी, तो फिर क्या करते? तो मैं शराब पीता हूँ। तो बोला, शराब पीने से बारिश हो जाएगी क्या? नहीं, बारिश तो नहीं होगी मगर उसका गम तो भूल जाता हूँ। 1987 से 1989 से रेगुलरली हर एक वर्ष पूरे विश्व में, ये सिर्फ भारत में नहीं होता है, पूरे विश्व में इसके अवेयरनेस से संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है। इस वर्ष भी वर्ष 2019 में हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ नाम का एक थीम है, एक विषय लिया है जिसके बारे में ये जागृति करनी है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, पूरे विश्व में ये एक्टिविटी चल रही है और उसमें सबसे स्टार्टलिंग फैक्ट जो इस कार्यक्रम का मेरे ख्याल से जो है एक मुख्य उद्देश्य है जो सचमुच में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है 6 करोड़ जनता को मैंने बता दी, रिपोर्ट कह रहा है कि उसके अनुसार दारू की लत लगी हुई है, दारू पीने वाले नहीं दारू की लत लगी हुई है। और भारत में ये टोटल जो पेशेंट्स है इनमें से सिर्फ 3% लोग हैं जिनको अल्कोहलिज्म से संबंधित ट्रीटमेंट मिलती है या वहां तक वो पहुंचते हैं, यानी 97% ऑफ पीपल, 97% लोग जो है हम मान के चल रहे हैं, हमारा समाज मान के चल रहा है कि भैया ये होता ही दारू पीता है पड़ता है, बीमार पड़ता है, अब उसको क्या करें? हमने जो ये मान के चले कि ये जो है होते ही रहता है, इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। जानवर को, एक चूहे को उन्होंने एक पिंजरे में रखा और उस पिंजरे के अंदर चूहे को अकेला रखकर उसको 2 किस्म के पानी दिए पीने के लिए, एक सादा पानी नॉर्मल जो सब पीते हैं और दूसरे पानी के अंदर नशा मिला हुआ था, हेरोइन मिला हुआ था। तो उन्होंने देखा कि वो जो चूहा है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पानी नहीं पीता है बल्कि नशे वाला पानी पीता है और इतना पीता है ओवरडोज करने लग जाता है, उसका एडिक्ट हो जाता है, यहां तक कि उसकी ओवरडोज से वो चूहा मर जाता है। ये 100 साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये सोचा कि मतलब नशा ऐसी चीज है कि अगर इंसान को मिली तो वो करने ही वाला। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि दोबारा से कोई रिसर्च करते, शायद ये स्टडी में कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा बनाया, बड़ा पिंजरा बनाया और उसमें उन्होंने हर वो चीज रखी जो चूहे को पसंद है, मिसाल के तौर पे दूसरे चूहे, खाने की चीजें, चूहों को कुछ मेज कुछ चीजें करना पसंद होती है, कुछ उनकी जो है बुलबुले टाइप की क्विज पहेलियां होती है वो बना के उन्होंने उसके अंदर रखी।
तो देखा उन्होंने, अब जब उनको दोनों चीजें दी गई, सादा पानी भी और नशे वाला पानी भी, तो उनमें से कोई चूहा नशे का आदि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड था, वो अपनी जिंदगी में जो चीजें उसको चाहिए थी, जो जो चीजें एक इंसान एक चूहे को चाहिए वो उसको मिल रही थी, तो उसने नशा नहीं किया। उसका एक्सपेरिमेंट इंसानों में उसी वक्त में हुआ, वियतनाम वॉर के ऊपर, जो अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में लड़ने के लिए गए थे, उनमें से तकरीबन 50% जो थे वो हीरोइन के एडिक्ट हो गए थे, टेंशन में थे, घरों से दूर थे, मौत का सामना कभी भी करना पड़ता था और आसानी से मिल जा रहा था, तो नशा करने लगे थे। जब वियतनाम वॉर खत्म हुआ तो वहां के लोगों ने सोचा कि अब ये जब अमेरिकन सोल्जर जब वापस आएंगे तो हमारा पूरा कंट्री जो है वो नशेड़ियों से भर जाएगा, चर्सियों से भर जाएगा, ये उन्होंने सोचा। लेकिन हुआ उल्टा, उनमें से 90% लोगों को कोई विड्रॉल नहीं हुआ, उन्हें कोई नशा मुक्ति केंद्र में जाना नहीं पड़ा, सिर्फ वो अपने सोसाइटी, अपने फैमिली, अपने क्लोज लोगों के साथ जब इंटरेक्ट किया उन्होंने, उनके साथ जब मिलजुल के रहने लगे, जिनको वो मिस करते थे, अच्छे एनवायरमेंट में रहने लगे, उनमें से अक्सर लोगों ने ऑटोमेटिकली हीरोइन छोड़ी। टेंशन की वजह हो गई, अब दूसरी वजह थी हमारी दोस्तों की संगत। अक्सर जो लोग में हमारा उठना बैठना होता है, अगर वो लोग नशे के आदी होते हैं तो हमको हिचकिचाहट नहीं होती, हमारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के नशा इस्तेमाल करते हैं, आजकल लड़कियां मेरे पास आती हैं कि हमको बहुत टेंशन हो रही थी, हम स्मोक करते हैं, हमको थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर हम उसके बाद नहीं करते। औरतें आती हैं मेरे पास, हम ड्रिंक करते हैं, हमको टेंशन होता है, हस्बैंड से झगड़ा होता है, हम जाके ड्रिंक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं टेंशन या फिर संगत की वजह से। और तीसरी बड़ी वजूहत है मीडिया का असर, जो हमारे हमको दिखाया जाता है, अक्सर लोग नकल करते हैं, हम इसे इमिटेशनल लर्निंग कहते हैं। जैसे कोई मूवी एक्टर है, कोई लड़का है या कोई आदमी है, वो उसको इमिटेट करता है, वो एक्टर जिस किस्म के कपड़े पहनता है, जिस किस्म से तैयार होता है, या जो भी आदतें होती है उसकी, वो उसकी नकल करता है और सोशल नॉर्म समझा जाता है ड्रिंकिंग को। कोई हर्ज नहीं इसमें, जो लोग रीसेंट ट्रेंड फॉलो करते हैं वो बिना हिचकिचाहट ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं। ये तो शुरुआत हो गई, भले टेंशन हो, संगत हो या फिर मीडिया हो या कोई और वजह, लेकिन माशरे का, परिवार का से प्रभावित होकर लोग इस्तेमाल करने लगते हैं नशा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस है तो यहाँ असर दिखेगा आपको। एक नशे मतलब शराब के हिस्से में इतना चल गया था कि मुझे नासिक से मुंबई ये रास्ता उस जमाने में शायद किसी को मालूम नहीं रहेगा, बहुत चूबे था। और ऐसे में मैं अपनी कार लेके मुंबई में शराब पीने जाता था, ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 दिन मैं मुंबई में रहता था। और ऐसा नशे का वो एक जुनून सवार हो गया दिमाग में कि कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इसमें कैसे घुस गया था। तो जब ये सब चीज़ें मेरे फैमिली ने समझी, उस फैमिली ने मुझे डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट, जो मेरे लिए आज गुरु है, उन्होंने मुझे इस नशे की आदत से बचाया, तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया। और डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट ने मुझे एक सपना दिया कि जिस दलदल में मैं फंसा था, उस दलदल से मैं कितने लोगों को निकाल सकूं, उसके लिए नासिक में 10 साल से हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में चला रहा हूं, जिससे कई लोग आज नशे से दूर है, अपनी ज़िंदगी में वापस जा चुके हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए ये हुआ कि उस एडिक्ट की लैंग्वेज मैं जानता था, वो लैंग्वेज जो मैं भाषा बोलता था, जो अगर कोई मेरे पास आ जाता है एडमिट के लिए तो वो भाषा मैं जानता था, इसके लिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट था कि सब डॉक्टर सर्स ने जो बताया कि जो डोपामाइन और ये सब जो केमिकल प्रॉब्लम्स होते थे हमारे लिए, उसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो आपका पहला स्टेप है रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये जो स्टेप है ये सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप होता है कि किसी साइकेट्रिस्ट से अपनी जो केमिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। और इसी तरह से लास्ट 10 साल से इस रिहैब अच्छा चल रहा है, लोग इससे बहुत अच्छे से बाहर आ रहे हैं, और एक फैमिली जो टूटी हुई होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ना भी चालू हो गया है। यही भगवान ने मुझे एक अच्छा काम दिया जो मुझे नशे से बाहर आने के बाद में मिला। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम जो खिलजी सर ने लिया, इस ऐसा प्रोग्राम लेने की कोई एक तो डेरिंग करता नहीं है कि ये जो नशा, अगर कोई ऐसा दूसरा मूवी वाला सीन होता तो यहाँ पे कुछ और सीन होता था, लेकिन ये हेरिंग वाला काम होता है कि कई फैमिलीज को बाहर ला, और हम सब मिलके इस फैमिली को, खिलजी सर को, कादरी सर को हम साथ देंगे तो हम सब शायद नशा मुक्त भारत का अभियान का एक भाग बन पाएंगे, इसके लिए हमको अच्छा लगेगा।